बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस बॉटनी, आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। न्यू चैप्टर जो है अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? देखें, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन में कुछ डिफेक्ट्स हैं। मसलन क्या है? केमिकल इक्वेशन नॉट एक्सप्लेन कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, कि किन कंडीशंस में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात के हाउ रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड कैसे बनते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होगा, इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या होंगे प्रोडक्ट के एंड तक पहुंचने से पहले, तो इन सारी बातों का जवाब जो है ये केमिकल इक्वेशन में मौजूद नहीं है। तो इन सब बातों को आंसर करने के लिए न्यू ब्रांच केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, इसकी बुनियाद रखी गई। अब ये है क्या चीज़? एज डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स ए मैकेनिज्म, इफेक्ट ऑफ सर्टन पैरामीटर्स ऑन रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट। यानी इक्वेशन केमिकल जो इस बारे में नहीं बता रही थी कि रिएक्शन की रफ्तार, रेट, वेलोसिटी क्या है। अब ये केमिकल काइनेटिक्स किस चीज को डील कर रही है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें चेंज कंसंट्रेशन की होती है, तो उसे हम नाम देते हैं रेट, रफ्तार उसकी। और मैकेनिज्म क्या होता है? ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप्स फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कॉल्ड इट्स मैकेनिज्म। कौन से पैरामीटर्स हैं जो रेट और रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं? जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, कैटलिस्ट है, पीएच है, लाइट है, सरफेस एरिया है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। ये सारी चीज़ें किस तरह से इफेक्ट करती हैं, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है उसे आप नाम देंगे केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, हम रेट की बुनियाद पर दो टाइप्स मेंशन करते हैं रिएक्शंस की। वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, सेकंड इज मॉडरेट रेट रिएक्शन, थर्ड इज वेरी स्लो रिएक्शंस। तो ये थ्री इसकी टाइप्स आ गई। इंस्टेंटेनियस, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन लम्हा, के वो रिएक्शन जो किसी इंस्टेंट पर हो रहे होंगे उस वक्त उसका रेट क्या है, किसी इंस्टेंट पर पहले सेकंड में, दूसरे में, तीसरे, चौथे में रिएक्शन की रफ्तार क्या है, उसे आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस से मुराद है कि जो वेरी स्मॉल इंस्टेंट में, एक लम्हे में कंप्लीट हो जाए, जो वेरी फास्ट रिएक्शंस हों। आयंस के रिएक्शन सॉल्यूशन में आमतौर पर इंस्टेंटेनियस होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस में के रिएक्शन बहुत स्लो हों। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, अगर अब इन्हें आम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होंगे, ईयर्स गुजर जाएंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन।
जैसे HCl NOH से आप मिला दें फौरन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, साल्ट बनेगा, ये इंस्टेंटेनियस की एग्जांपल होगी। मॉडरेट रेट में जिनकी रफ्तार विलास्टी ना तो बहुत तेज हो ना ही बहुत स्लो हो उन्हें मॉडरेट रेट रिएक्शंस कह देते हैं। मॉडरेट रेट रिएक्शंस में इसके एग्जांपल्स में जैसे इथाइल अल्कोहल और एस्टिक एसिड को आप रिएक्ट करवा दें, एस्टर बने और वाटर बने। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी रेट सिंपली क्या है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम आप लिखेंगे, या चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम। यूनिट इसका बन जाएगा, कंसंट्रेशन का होते मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो ये इसके यूनिट आ गए। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, हाउ टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, का एक्सप्रेशन कैसे होगा। से ए बी सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनिशियली जब टाइम टी वन जीरो है तो ए की कंसंट्रेशन और बी की ए वन बी वन, सी की सी वन और डी की डी वन, ये प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। टाइम टी टू पर ए की कंसंट्रेशन ए टू आप कह दें, बी को बी टू कह दें, सी को सी टू, डी को डी टू कह दें। अब चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टू माइनस ए वन, बी टू माइनस बी वन, सी टू माइनस सी वन, डी टू माइनस बी वन। अब ये बन जाएगा डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी डेल्टा डी आप कह रहे हैं। अब उसका रेट क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा ए और डेल्टा टी, माइनस डेल्टा बी और डेल्टा टी, प्लस डेल्टा सी और डेल्टा टी, प्लस डेल्टा डी और डेल्टा टी, ये चेंज ऑफ टाइम भी आ गया साथ इसके। हमने ए और बी को माइनस लिखा है, सी और डी को प्लस लिखा है। माइनस साइन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को जाहिर कर रहा है और प्लस साइन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन को जाहिर कर रहा है। और वैसे आप ऊपर अगर इसका डिफरेंस भी देखें तो ए टू माइनस ए वन है, ए वन की कंसंट्रेशन इब्तदाई तौर पर ज़्यादा होगी, कुछ वक्त के बाद ए टू जो बनेगा उससे, ए टू जो बाकी उसकी मिकदार बचेगी वो कम होगी, तो ए टू इज लेस देन ए वन, तो ए टू माइनस ए वन साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हमने इन्हें देखें जो रेट ऑफ रिएक्शन के दो रेट्स बन जाएंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को नेगेटिव साइन के साथ और रेट ऑफ फॉर्मेशन को पॉजिटिव साइन से हमने लिखा है। अगर हम ऐसा करें कि कंसंट्रेशन ए बी सी डी लिखने की बजाय हम एक जनरल ट्रेंड दे दें, यानी उसे हम सी के साथ लिख दें, यानी माइनस डेल्टा सी ओ डेल्टा टी, माइनस डेल्टा सी ओ डेल्टा टी, प्लस डेल्टा सी ओ डेल्टा टी, प्लस डेल्टा सी ओ डेल्टा टी। अच्छा, फिर हम ये करते हैं कि जिस वक्त वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन हो, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज हो, यानी चेंज नियरली अप्रोच टू ज़ीरो हो, तो डेल्टा को हम लफ्स डी से डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, सी कंसंट्रेशन को हम लफ्स एक्स के साथ ज़ाहिर कर देते हैं, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सी की जगह एक्स लगा दिया, डेल्टा की जगह डी एक्स और डी टी इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। टू टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। एवरेज रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन
बिटवीन टू इंटरवल्स, ये जैसे हमने ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन लिखा, डेल्टा की सूरत में ये एवरेज रेट आप लिख रहे हैं। अच्छा, फिर हर लम्हे क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, कंस्टेशन चेंज हो रही है, तो रेट हर पॉइंट पर, हर लम्हे पर, हर वक्त पर बदल रहा होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट हर पॉइंट पर, हर लम्हे पर डिफरेंट है, तो हम इसीलिए एक इंटरवल में उस रेट को कह देते हैं, इसकी वैल्यू तकरीबन भी सेम रह रही है, उस हमने एवरेज रेट का नाम दे दिया। अब एक कंडीशन ऐसी है कि एवरेज रेट दरअसल डिफरेंस को जाहिर कर रहा है। अगर ये डिफरेंस नियरली अप्रोच करे जीरो को, तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट की वैल्यूज बराबर होंगी। ग्राफ टाइम कंस्टेशन के दरमियान में है, प्रोडक्ट की कंस्टेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कंस्टेशन डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड ग्राफ है। दो तीन पॉइंट्स आप इससे कह सकते हैं, विद टाइम कंस्टेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, रेट डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, फिर दो ये डेफिनेशंस आ गई, रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बस ये एक जनरल रिएक्शन है, ए गिव अस द प्रोडक्ट। लाफ मास सेक्शन के मुताबिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रेट को हम किससे जाहिर कर रहे हैं, डी एक्स और डी टी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए जो रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को, ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए। अब यहाँ के जो है इसे आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसी को आप रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू वन, दैट इज यूनिटी, देन डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के। And rate is equal to rate constant. यानी रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। अगर यहाँ दो रिएक्टेंट से ए बी, उसकी पावर जितनी भी हों, अगर उसकी कंसंट्रेशन वन मोल है तो उसका कम्बिनेशन भी वन हो जाएगा और के रेट के बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट। So at this specific condition, rate constant is called specific rate constant. अब अगर इसके भी आप units को देखना चाहें तो देखें, जो rate constant है k is equal to rate divided by concentration. Rate के unit divide कर देंगे आप concentration के units को। Rate constant में जो रेट के यूनिट हैं वही स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के यूनिट हैं, क्योंकि रेट और रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बराबर है। तो ये आज का लेक्चर था, आसान है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, इसे नोट करें, एंड ऑफ द टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।